कोटड़ा तहसीलदार मंगलाराम मीणा को विद्या संबल योजना में कोटड़ा ब्लॉक के स्थानीय BLD LD प्रशिक्षक युवा बेरोजगारों को वरीयता देने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोटड़ा के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, विषय अध्यापक न मिलने पर दूसरे अभ्यर्थियों को भी लिया जाए। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र होने के कारण बड़ी संख्या में कोटड़ा क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। इन्हें प्राथमिक रूप से विद्या संबल योजना में लगाए जाने की मांग को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। हमारे कोटड़ा वालों को पहले लगाया जाए, यहाँ हम इसके लिए नहीं लगाएंगे तो विरोध करेंगे। आज कोटड़ा प्रधान साहब के नेतृत्व में यहाँ के हमारे संपूर्ण जनप्रतिनिधियों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। ऊपर सरकार को तहसीलदार की बताएं कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो अभी स्कूलों में मास्टर लगाने का प्रावधान है, उसमें हमारे यहाँ पे बाहरी जिलों से अलवर, भरतपुर और इधर से बाहर से डूंगरपुर, मांसवाड़ा, इधर से सारे फॉर्म आए हैं। हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार है, सब जगह हर जगह पढ़े लिखे हैं, BA BEd STC है, और उन्होंने भी गरीबी में इधर उधर से ब्याज से पैसे लेके खेत बीवी रख के पढ़ाई करी है मुश्किल में, तो उनको यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ का हमारा युवा अगर किसी विषय का नहीं मिलता है, किसी जगह नहीं मिलता है, तो उसके बाद में बाहर से लिया जाए, बाहर वालों को प्राथमिकता दी जाए। हमारी मांग के अनुरूप अगर जबरदस्ती सेटिंग करके पैसे खा के अगर स्कूलों में लगाया जाता है तो हम जबरदस्त विरोध करेंगे, उसकी समस्त जवाबदारी सरकार की रहेगी। हम इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर सारे जनप्रतिनिधि, सारे युवा बेरोजगार, सामाजिक कार्यकर्ता, जन संगठन, सारे हम मिलके बिल्कुल कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनको प्राथमिकता से लगावें। अगर बाहर का किसी को सेटिंग करके कोई अधिकारी लगाता है और यहाँ पे किसी प्रकार का विरोध होता है, उसकी समस्त जिम्मेदारी उस लगाने वाले अधिकारी की रहेगी। कोटड़ा ब्लॉक से संपत कुमार पारगी, युवा बेरोजगार, जो कि BEd हूँ, और हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना के तहत जो परीक्षाएं भरने के लिए कवायद शुरू की है, उसमें अदर क्षेत्र के जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट और एप्लीकेंट यहाँ पे आए हैं और यहाँ के लोगों के मेरिट का सिस्टम लागू कर रखा है इसमें गवर्नमेंट ने, तो यहाँ का पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चे पढ़ते हैं, अपनी जमीन गिरवी रख के अपने किसी भी प्रकार से डिग्री करते हैं, तो यहाँ के लोकल को नहीं प्रायोरिटी मिलेगी तो वो तो और भी पिछड़ जाएगा। तो हमारे सरकार से यही मांग है कि हमारे कोटड़ा ब्लॉक के अंडर में जो भी आ रहे हैं युवा बेरोजगार, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाए, फिर हमारे यहाँ सब्जेक्ट टीचर नहीं मिलने के बाद अन्य डिस्ट्रिक्ट से लगा सकते हैं, यही हमारी वाजिब मांग है। अगर ये नहीं हुआ तो हम यहाँ ब्लॉक स्तर पर महाआंदोलन करेंगे, और जो बाहर से सेटिंग बाजी करके अगर किसी को लगाया जाता है तो हम उसको कार्यस्थल पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा, और उसकी जो भी कुछ होता है उसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।